नमस्कार मैं योगाचार्य चारू नेगी क्रिस्टा आईवीएफ की तरफ से आईवीएफ ट्रीटमेंट को योग के द्वारा कैसे सक्सेस किया जा सकता है इसके ऊपर कुछ टिप्स देने वाली हूँ आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान बहुत से पेशेंट्स में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी जाती है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है अब जो मैं आपको अभ्यास कराने जा रही हूँ वो है डायबिटीज़ के लिए तो पहला आसन हम लोग करेंगे वक्रासन का अभ्यास दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे अपने राइट नी के बगल में जो पैर फोल्ड है उसी को उसी का हाथ पीछे लेकर जाएंगे राइट हैंड को साइड से निकालते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ लें और पीछे की ओर देख जाएं। श्वास प्रश्वास करते जाएंगे पोजीशन को होल्ड रखेंगे आराम से वापस दूसरे लेग से भी कर जाएं, राइट लेग को फोल्ड करें राइट हैंड को पीछे लेके जाएं, लेफ्ट हैंड से अपने पैर के पंजे को पकड़ें और होल्ड रखें, आराम से वापस यह आसन डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है दूसरा अभ्यास अब हम करने जा रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास आराम से घुटनों के बल आ जाएं, में बैठ जाएंगे दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और अपने नावल रिजन से अपने पेट को दबाते हुए स्वांस भरेंगे, स्वांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं, कुछ देर रुकने के पश्चात आराम से वापस आ जाए यह आपके पेन क्रियास के लिए बहुत ही अच्छा है अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन का आराम से पीठ के लेट जाएंगे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने पेट के ऊपर रखें हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पेट को दबाएं और अपनी नॉस्ट्रल से अपनी नी को टच करने का प्रयास करेंगे सामर्थ्य अनुसार रोकने के पश्चात आराम से वापस लंबा घेरा श्वासेंगे और श्वास छोड़ेंगे अगला अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास आराम से पेट के बल लेट जाए दोनों हाथों से अपनी एंकल को पकड़ लेंगे चिन को जमीन पर रखते हुए श्वास भरते हुए उठाएं अपनी बॉडी को आप शरीर को पूरा तान कर रखें श्वास-प्रश्वास करते जाएं अपने नेवल रीजन पर वाइब्रेशन को फील करें खिंचाव को ढीला छोड़ें आराम से पैर वापस चेंज डाउन एंड रिलैक्स आराम से वापस आएंगे मैं आपको थायराइड के लिए कुछ ऐसे अभ्यास बताने जा रही हूं जिसका प्रभाव सीधा आपकी थायराइड ग्रंथि पर पड़ेगा तो पहला अभ्यास है, है, का, जिसे कहा जाता है। आप इसको वॉल के सहारे से भी शुरुआत में कर सकते हैं जिसका बैलेंस बन जाए वो इंडिविजुअल भी इसका अभ्यास कर सकता है आराम से दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अपने हेड को जमीन से लगाएंगे और बैलेंस बनाते हुए उठाएंगे सामर्थ्य अनुसार रोकने के पश्चात आराम से वापस अब आपको अगला अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास बताने जा रहे हैं जो थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसे बोलेंगे उज्जै प्राणायाम श्वास भरते हुए गले से आपको श्वास को अंदर की ओर लेना है और धीरे धीरे श्वास को रिलीज करते हुए जाना है लंबा गहरा श्वास भरेंगे कंटिन्यू इसका अभ्यास करने से आपको थायराइड ग्रंथि का प्रॉब्लम नहीं होगा थायराइड ग्रंथि आपकी अच्छे से स्टूमुलेट होके अपना हार्मोन अच्छे से रिलीज करेगी अब मैं आपको आसन का अभ्यास कराने जा रही हूँ उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास ले आएंगे और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लें श्वास भरते हुए अपने कमर को धीरे धीरे उठाएं और पोजीशन को होल्ड करके रखें कुछ देर रुके रहे धीरे धीरे आराम से वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें आराम से वापस आ जाए यह अभ्यास आपके पैल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है इनफर्टिलिटी में आपके पैल्विक रीजन में या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अच्छा असर डालता है अब नेक्स्ट आसन अब आप मैं आपको कराने जा रही हूं सर्वांग आसन आराम से पीठ के बल फिर से लेटेंगे राइट लेग को उठाएंगे 90 डिग्री पर लेकर आए लेफ्ट लेग को उठाएं। आराम से अपने हिप्स को उठाते हुए दोनों पैरों को अपने कोहनियों के माध्यम से पैरों को खड़ा कर लें प्रस्वास करते जाएं पोजीशन को होल्ड रखेंगे धीरे धीरे आराम से वापस हिप्स डाउन पैरों को वन बाय वन वापस ले आए अगला अभ्यास आपको कराने जा रही हूं हलासन का अभ्यास आराम से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे आराम से हल्का सा अपने हिप्स में जर्क देके दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और स्ट्रेच करें स प्रस्वास करते जाएं, आराम से वापस पैर वापस लंबा गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़े अब जो आपको अभ्यास कराने जा रही हूँ वो कोलेस्ट्रॉल के लिए है कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर से धीरे धीरे घटता चला जाता है और फिर खत्म हो जाता है तो इन योगाभ्यासों के द्वारा आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं तो पहला मैं अभ्यास बताने जा रही हूँ आपको पर्वत आसन का अभ्यास आराम से दोनों हाथ और पैरों को मिलाते हुए कमर को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे और अपनी नेवल रीजन को देखते हुए बॉडी को स्ट्रेच करके रखें आपका एंकल डाउन रहेगा नेवल रीजन पे देखने का प्रयास पूरा बॉडी स्ट्रेच श्वास प्रश्वास करते जाएं, आराम से वापस अगला अभ्यास है वॉरियर पोस वॉरियर पोज के लिए आपको शोल्डर लेवल से अधिक अपने पैरों में गैप रखना है राइट right लेग को आगे ले आएंगे हाथों को शोल्डर लेवल खोलते हुए राइट right नी को बेंड करते हुए पोजीशन को होल्ड करना है श्वास प्रश्वास करते जाएं, पोजीशन को होल्ड रखेंगे आराम से वापस चेंज करेंगे सेकंड साइड से आराम से वापस सलब आसन का अभ्यास करेंगे पेट के बल आराम से पेट के बल लेट जाएंगे दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लगाएं यहीं से राइट लेग उठाएं होल रखेंगे आराम से वापस चेंज करेंगे सेकंड लेग से आराम से वापस श्वास प्रश्वास करेंगे आराम से मकर आसन में लेट जाएं एंकल अंदर पंजे बाहर स पर करते चले जाएं, चिन के नीचे अपने दोनों हाथ रख लें आराम से वापस आएंगे यहीं से पीठ के बल लेट जाएं, और करेंगे चक्रासन का अभ्यास आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखें दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आराम से पहले हिप्स को उठाएंगे फिर पॉडी बॉडी को पोस्चर को क्लोज करने का प्रयास करेंगे पैरों को मिलाने का प्रयास करेंगे और होल्ड रखें। आराम से वापस पैरों को सीधा एंड रिलैक्स लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे अगला अभ्यास है हैप्पी बेबी पोज पीठ के बल किया जाने वाला यह अभ्यास है आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने हाथों को अपने पंजों से लगाएं और अपने पैरों को स्प्रेड करें इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रुके रहें श्वास प्रश्वास करते हुए कुछ देर इस पोजीशन में इन्हेल एक्सहेल करते चले जाएं। आराम से वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें अगले अभ्यास के लिए सुप्त बद्ध कोण आसन दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं, आराम से क्लोज ओपन क्लोज यह रिदम चार पांच बार करने के पश्चात पैरों को स्प्रेड कर लें और इसी पोजीशन में श्वास प्रश्वास करते चले जाएं। आराम से पैरों को सीधा कर लें एंड रिलैक्स अगला अभ्यास है आपका बटरफ्लाई बटरफ्लाई के लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लें दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़कर कंटिन्यू अपनी थाई को अप डाउन करेंगे और अपनी पैल्विक मसल पर पूरा ध्यान लगाते हुए आंखों को बंद कर लें और अपनी स्ट्रेचिंग को फील करते रहें धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं और आराम से गति को धीमा करते हुए आंखों को खोल दें। दूसरा अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करते हुए प्रणब मुद्रा में ले आए लेफ्ट नोस्टल से पूरा श्वास पहले एक्सेल करेंगे यही से लंबा गहरा श्वास भरेंगे राइट right नॉस्टल से पूरा स्वास एक्सेल राइट नॉस्टल से एक्सेल राइट नॉस्टल से इनहेल लेफ्ट से exhale. इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं यह आपके शरीर में ठंड और गर्म के तापमान को नियमित रखता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है अब जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ वो एन्जाइटी के लिए बहुत ही लाभप्रद है तो आप अब हम करेंगे पहला अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास समस्थिति में आ जाएंगे राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग का बैलेंस बनाते हुए राइट लेग को अपनी जेंटल ऑर्गन पर लगाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे और जोड़ लेंगे एक पॉइंट पे देखते जाएं फाइंड योर बैलेंस शरीर को बैलेंस करेंगे आराम से वापस दोनों हाथों को वापस लेकर आए चेंज करेंगे सेकंड लेग से लेफ्ट लेग को जेंटल ऑर्गन पे लगाएंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और स्ट्रेच आप खींच के रखें शरीर में एकाग्रता लाती है शरीर की एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है मन शांत रहता है एंजाइटी में बहुत ही उपयोगी आसन है दूसरा अभ्यास त्रिकोण आसना का दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से डबल खोल देंगे राइट लेग को राइट right लेग का पंजा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल खोलेंगे राइट right हैंड को जमीन पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को देख जाएंगे आराम से वापस आएंगे लेग चेंज लेफ्ट लेग को आगे करेंगे लेफ्ट हैंड को भी डाउन राइट right हैंड को देख जाएं, श्वास प्रश्वास करें आराम से वापस अब जो मैं तीसरा अभ्यास बताने जा रही हूँ वो है बंधों का अभ्यास तीन बंध योग में बताए गए हैं पहला है जालंधर बंध, दूसरा है उड़ियान बंध और तीसरा है मूल बंध। जब इन तीन बंधों का हम एक साथ उपयोग करते हैं वो महाबंध कहलाता है तो जिस प्रकार बांध जिस एरिया में होता है उस एरिया को वह प्रोटेक्ट करता है उसी प्रकार बंद हमारे शरीर में जहाँ पे लगते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं पहला है जालंधर बंद जालंधर बंद को हम थोड़ी सी चिन को लगा के अपनी चेस्ट से लगाते हैं जिससे हमारा चेस्ट तक का एरिया कवर हो जाता है प्रोटेक्ट हो जाता है दूसरा है उड़ियान बंद जो हम पेट को श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम अंदर लेके जाते हैं अपने स्टमक को अपनी स्पाइन से टच करने का प्रयास करते हैं तीसरा है आपका मूलबंद आपके एन पार्ट को स्क्यूज करके अपने एन पार्ट को टाइट करके आप मूलबंद का अभ्यास करते हैं जब तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास करते हैं तो महाबंध लगता है तो पहला अभ्यास अब हम करेंगे फिर दूसरा अभ्यास और तीसरा अभ्यास तीनों अभ्यासों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे चलिए शोल्डर लेवल दोनों पैरों को खोलेंगे श्वास पड़ते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर रख दें, जालंधर बंद लगाएंगे उड़ियान बंद और मूल बंद धीरे धीरे जालंधर बंद को खोलेंगे उड़ियान बंद को छोड़ेंगे और मूल बंद को छोड़ते हुए आराम से वापस आए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे